सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने स्केचेस वगैरह कैसे ड्रॉ करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाली थी, सो लेट्स सी। सो गाइस, ये रही पिक्चर। सो गाइस, सबसे पहले आपको उसके अपने स्केच जो भी आपको मिला है बनाना है, या जो भी आपने उसके अंदर आप डिटेलिंग देखनी है, उसके अंदर आपने देखना है क्या क्या डिटेल है, क्या क्या है। अगर आपके मोबाइल में पिक्चर है तो, अगर आप बिगिनर हैं तो उसका प्रिंट निकलवा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप प्रिंट निकलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप प्रिंट निकलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हमें एक एक एरियाज का पता लग रहा है कौन सा कहाँ है, कौन सा किस तरह। ये पिक्चर क्लियर नहीं है, आज मैं क्लियर निकलवाऊंगा तो वो भी उसकी एक रियल टाइम वीडियो बनाऊँ। सो गाइस, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये प्रिंट निकलवा लें, 10 से 20 रुपीज़ का निकल जाएगा अराउंड। और अगर आपके पास आईपैड वगैरह है तो और आसानी होगी, क्योंकि आईपैड की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है। और प्रिंट वगैरह में हमें ये होता है ब्लैक एंड वाइट में निकलवाइएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में हम बनाते हैं पेंसिल वगैरह में। तो प्रिंट वगैरह में तो ये डार्क एरिया, जैसे ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया, ये हमें ना पूरा वाजे हो रहा है। इसके फेस जैसे हम यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ पे मेजर करके बना सकते हैं, ये आसानी होती है इसके अंदर हमें। और अगर गाइस आप क्लासेस वगैरह जाते हैं तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी, फिर क्योंकि अब आपको अलग समझाते हैं। और आप खुद से घर पे सीखते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं पूरा सही तरह से नहीं सीखा हूँ आर्ट को। तो जितना मुझे आता है मैं आपको उतना बता देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि अभी आपको यार फेस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले ये फेस मैंने इसकी फेस का साइज़ तो बहुत छोटा है, तो मैं इसको बिग साइज का निकलवा कर, मतलब वो जो पूरा फेस में आता है ना, वो फिर हम वैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक आइज जो होती है उसमें हमारा इतना, जैसे ये चीज़ एक आइज में आती है, तो इतना ही गैप हमें ना बीच में छोड़ना होता है। फिर उसके बाद इतने ही गैप के बाद इतना दूसरी आइज बनानी होती है। सो गाइस, ये कुछ आसान है, लेकिन इस ये इसकी ये पिक्चर है पूरी क्लियर नहीं है, तो क्लियर होगी तो और अच्छे से समझ आएगा हम लोग आपको। जैसे ये जैकेट है, अब इधर डार्क एरिया आ गई, लेकिन इधर डार्क एरिया कितने क्लियर नज़र आ रहे नीचे से, और इधर डार्क एरिया है, इधर डार्क एरियाज है, इधर डार्क है। पहले हमें डार्क एरियाज ना पहले बना लें, फिर ना शेडिंग करें हल्की हल्की उसके ऊपर, फिर ना आहिस्ता आहिस्ता उसको बनाते जाएं पूरी जैकेट। सो गाइस, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इनके हेयर बनाए, वो देखते हैं कैसे बनते हैं। हेयर सही इतना क्लियर नज़र नहीं, फेस भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैंने मैं फेस भी पूरा बनाता, बाकी इमेजिंग करके बना लेते हैं। पाकिस्तानी भाई बहुत बड़ा अदाकार है। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं, ये चारकोल पेंसिल से ब्लैक है ना, तो चारकोल पेंसिल से ज़्यादा अच्छा लगेगा करते हुए ना। जैसे पीछे की तरफ सारे बाल जाएंगे, ये हेयर है तो इस तरफ सारी शेडिंग की तरह होगी, ये हेयर बनेगा तो इधर सारी शेडिंग वगैरह होगी यहाँ पे। गाइस, अगर आपको इसकी रियल टाइम वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे, और आप इसमें चैलेंज वगैरह भी दे सकते हैं। साइडों की तरफ हेयर है और ये बाल हैं, जो कि अभी सही तरह बनेंगे, क्योंकि ये वाली फोटोग्राफ जो है इसमें क्या कहते हैं, ये हेयर आप देख सकते हैं, इसके बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे। गाइस, ये थी कुछ आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देगा इस वीडियो को, और जल्दी से जल्दी मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाएँ और मुझे सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।